आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में आगमन हुआ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शोक सभा में उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे। बता दें 8 जुलाई 2022 को जापान के एक शहर में हो रही जनसभा में दिन दहाड़े शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। जापान और भारत की राजनीतिक रिश्ते बेहतर हैं और इस बात का सबूत है ये वीडियो। जापान आने के बाद में अपने आप को ज़्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूँ और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है। बहरहाल मोदी एवं पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के रिश्ते राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहतर थे। जापान और भारत की मीडिया उनकी दोस्ती को कृष्ण सुदामा की दोस्ती की तरह देखती थी। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से शिंजो आबे की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आंखें भर आई। वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम किशिदा के साथ उनकी बातचीत हुई जिसमें मोदी का गला भर आया। अपने दोस्त को खोने का दुख मोदी की बातों में साफ साफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी सभा में कहते हैं कि जापान और भारत के रिश्ते पीएम शिंजो आबे के वक्त में जैसे थे उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जेएन वर्ल्ड। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करी है कैमरा पर्सन सिद्धार्थ राजपूत ने। मेरा नाम हिमानी भट्ट है, आप देख रहे थे जेएन वर्ल्ड। धन्यवाद।